हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। पिछली क्लास की तरह ही, हमेशा की तरह ही, मैं आज भी आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में बताऊंगी। इस पेपर में जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 को, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 को, जिसमें हमने पार्ट वन और टू क्लियर किया था। पार्ट वन मध्यस्थम का, आर्बिट्रेशन का था। पार्ट टू पंचायतों का था, विदेशी पंचायत, फॉरेन अवार्ड्स के बारे में। पार्ट थर्ड हमारा चल रहा है, पार्ट थर्ड है कंसिलिएशन यानी कि सुलह का, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब कोई से दो ऐसे पक्षकार होते हैं जो अपने विवादों के लिए न्यायालय में जाकर समझाइश या निपटारा नहीं कराना चाहते, तो न्यायालय के बाहर किस व्यवस्था के द्वारा अपने विवादों को निपटा सकते हैं, तो उस व्यवस्था का नाम है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट मध्यस्थम सुलह अधिनियम, जो कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था। इसकी एक व्यवस्था मध्यस्थम थी कि दोनों पक्षकार मध्यस्थम के द्वारा अपने विवादों को निपटा सकते हैं, और इसी का एक तरीका है कंसिलेशन सुलह। जैसे कि नाम से लगता है सुलह, सुलह कराना, समझाइश कराना, दोनों पक्षकारों को विवाद को निपटाने के लिए किसी एक मत पर लाना ही सुलह कहलाता है, जिसे कहेंगे कंसिलेशन। आज की क्लास में हम इसी कंसिलेशन को, सुलह की कार्रवाई जो हम पिछली क्लासेस से देख रहे थे, तो उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं आज सेक्शन 69 की तरफ। सेक्शन 69 कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलेटर एंड पार्टीज, सुलहकर्ता तथा पक्षकारों के बीच संसूचना के बारे में। तो ये धारा सेक्शन 69 पक्षकारों और सुलहकर्ताओं के बीच में संसूचना संबंधी नियमों के बारे में बता रही है। संसूचना, संसूचना यानी कि सूचना देना, कम्युनिकेशन बिटवीन दोनों पक्षकारों के बीच में और सुलहकर्ता के बीच में, जो सुलह कार्रवाई करवा रहा है उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी कि सूचना का आदान प्रदान होता रहे, उसके बारे में सेक्शन 69 बता रही है। और ये सेक्शन 69 कहता है सुलहकर्ता तथा पक्षकारों के बीच संसूचना के संबंध में व्यवस्था की गई है। इस धारा के अंतर्गत सुलह के पक्षकारों और सुलहकर्ता के मध्य संसूचना के आदान प्रदान के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं कि सुलहकर्ता और पक्षकारों के बीच में जो कोई भी बातचीत है उनका आदान प्रदान कैसे हो, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो। पक्षकार अगर कोई सूचना सुलहकर्ता को देना चाहते हैं, या सुलहकर्ता कोई सूचना के बारे में पक्षकारों से बातचीत करना चाहता है, तो सूचना के बारे में आदान प्रदान करने संबंधी किस प्रक्रिया को अपनाया जाए, वो यहाँ पे देखा जाता है। सुलहकर्ता को यह अधिकार है कि सुलह कार्रवाई के दौरान वह सुलह कार्रवाई के पक्षकारों से एक साथ या अलग अलग रूप से सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। यहाँ सुलहकर्ता को ये राइट दिया गया, ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे कि दोनों पक्षकारों को बुलाकर कोई सूचनाओं के बारे में जानकारी ले या जानकारी प्रदान करें, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर सुलहकर्ता को ये लगता है कि दोनों पक्षकारों को एक साथ ना बुलाकर एक एक को बुलाया जाए, तो एक बार में एक पक्षकार को बुलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करवाया जाता है, तो ऐसा अधिकार उसको दिया गया है। ये व्यवस्था इसलिए भी अपनाई गई है क्योंकि हो सकता है कि पक्षकार आपस में एक दूसरे के सामने कुछ ऐसी सूचना है जो सुलहकर्ता को दी जानी आवश्यक है और नहीं दे पा रहे, इसलिए सुलहकर्ता का ये राइट बनता है, अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि वो पक्षकारों को बुलवाए और एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार की अनुपस्थिति में और दूसरे पक्षकार को पहले पक्षकार की अनुपस्थिति में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, जिससे कि वो दोनों पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को निपटाने के लिए, उनके बीच में सुलह कराने के लिए सही बिंदु पर पहुँच सके। यहाँ पे सेक्शन 69 ये भी कहती है कि सुलहकर्ता पक्षकारों को उसके मिलने की आमंत्रित कर सकता है। सुलहकर्ता पक्षकारों को, सुलहकर्ता खुद भी पक्षकारों को एक साथ बुलवा सकता है, उनको आमंत्रित कर सकता है, इनविटेशन दे सकता है कि वो आएं और बातचीत करें। सुलहकर्ता पक्षकारों से मौखिक रूप से या लिखित रूप से संसूचना का आदान प्रदान कर सकता है। अगर ऐसा लगता है सुलहकर्ता को कि भाई बातचीत करके ही किसी निश्चित बात पर पहुंचा जा सके, तो मौखिक रूप से ही बातचीत कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि लिखित में मैं इनसे कोई सूचना मांगूं, तो वो लिखित में भी सूचना मांग सकता है। सुलहकर्ता पक्षकारों से
साथ साथ उनमें से प्रत्येक से साथ अलग अलग भी मिल सकता है, जो मैंने अभी भी आपको पहले वाले पॉइंट पे बताया कि अगर वो चाहें कि भाई हम एक साथ मिले तो एक साथ भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि हम अलग अलग मिले तो अलग अलग भी सुलहकर्ता पक्षकारों से मिल सकता है। इसी तरीके से इस धारा में सुलहकर्ता पक्षकारों से एक साथ या अलग मिलकर सूचना ले सकता है और दे भी सकता है। अलग अलग देखिए, हो सकता है एक पक्षकार के खिलाफ कोई दूसरी बात पता पड़ रही है या दूसरे पक्षकार से पहले पक्षकार के खिलाफ, तो वो अलग अलग सूचना ले सकता है और दे भी सकता है, परंतु एक पक्षकार से मिलकर दूसरे पक्षकार को मिलने से इनकार नहीं कर सकता, ये ज़रूरी है, नहीं अन्यथा अगर ऐसा होता है तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इसीलिए एक पक्षकार से मिलने के बाद दूसरे पक्षकार से भी उसको मिलना होगा, सुलहकर्ता को, वो उससे मिलने से इनकार नहीं कर सकता। संसूचनाओं के आदान प्रदान तथा बैठक आयोजित करने से उसे निष्पक्षता का व्यवहार करना होगा, जो हम शुरू से देख रहे हैं कि सुलहकर्ता को दोनों पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। सुलह के पक्षकारों को ये स्वतंत्रता है कि वे आपसी करार या सहमति के आधार पर सुलहकर्ता से मिलने या बैठक करने का समय या स्थान निर्धारित कर सकते हैं। यह पक्षकारों को स्वतंत्रता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सुलहकर्ता ही उनको आमंत्रित करे। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है और दोनों पक्षकारों के बीच में एक बात इस मत पर प्रकट होती है कि दोनों पक्षकार चाहते हैं कि वे जाकर सुलहकर्ता से मिलें, बैठक करें या कोई समय या स्थान निर्धारित करें, तो वो कर सकते हैं। यदि इस संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई करार नहीं है और अगर दोनों पक्षकारों के बीच में इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो सुलहकर्ता पक्षकारों से सलाह करके मिलने या बैठक करने का समय और स्थान निर्धारित कर सकता है, और अगर दोनों पक्षकार ऐसा नहीं कर पाते तो सुलहकर्ता ही कार्य करेगा। सुलहकर्ता उस स्थान तथा समय के लिए पक्षकारों की सहमति प्राप्त करेगा, और जैसे ही वो फिक्स करता है कि किस जगह पर उन दोनों को बुलाना है, कहाँ पर बैठक करनी है, किस समय बैठक करनी है, तो उसके लिए उन दोनों पक्षकारों की, दोनों पार्टीज की कंसेंट लेनी होगी, दोनों पक्षकारों की सहमति लेनी होगी। सुलहकर्ता बैठक तथा स्थान को निर्धारित करते समय पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखेगा। यह अत्यंत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि पक्षकार सुविधापूर्ण उस स्थान पर उस समय पर पहुँच पाए, इस बात का ध्यान रखना सुलहकर्ता का कर्तव्य है। पक्षकारों से बैठक करने के स्थान का निर्धारण करते समय उनके व्यय, यात्रा आदि की सुविधा को भी ध्यान रखेगा। इसलिए ये बात कही गई है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है, जब बातचीत हो रही है सुलहकर्ता और पक्षकारों के मध्य, तो सुलहकर्ता को ये देखना होगा कि जिस स्थान और समय को उसने पक्षकारों के लिए निर्धारित किया है, वे यात्रा, व्यय, समय, सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें। तो यहाँ पे सेक्शन 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज के बारे में व्यवस्था की गई है। आगे ही इसमें सेक्शन में सेक्शन 70 धारा 70, सेक्शन 70 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, धारा 70 सूचना का प्रकटन के बारे में, सूचनाओं को प्रकट करने के बारे में बता रही है। यह धारा 70 सेक्शन 69 जो अभी भी हमने बात पढ़ी कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, उसको आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 70 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही है कि सूचनाओं का प्रकटन, की सूचना को सेक्शन 69 में अगर हमने कोई सूचना ली है तो सेक्शन 70 में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। यह धारा 70 कहती है संसूचनाओं के प्रकटन के संबंध में, इस धारा के अनुसार सुलहकर्ता एक पक्षकार के विवाद से संबंधित तथ्य संबंधी सूचना प्राप्त करता है, तब वह इसलिए दूसरे पक्षकार को सूचना का सार प्रकट करेगा जिससे कि दूसरा पक्षकार को किसी भी ऐसे स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 70 बनाई गई है कि अगर, जैसे कि हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा कि अगर ऐसी आवश्यकता लगती है कि दोनों पक्षकारों को एक साथ मिलके अलग अलग मिला जाए, और अलग अलग मिलने में अगर पक्षकार कोई बात उनको बताते, सूचना अगर बताते हैं, तो सेक्शन 70 में ऐसे सुलहकर्ता को उस सूचना को प्रकट करना होगा दूसरे पक्षकार से। वो ऐसा इसलिए कि दूसरे पक्षकार को जैसी उस सूचना का प्रकट करेगा, उस सूचना में जो भी बातें हैं उसका जवाब देने के लिए उसके पास समय हो, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके। लेकिन परंतु जब एक पक्षकार एक विशिष्ट शर्त के अध्ययन रहते हुए सुलहकर्ता को कोई सूचना देता है कि वो उसे गोपनीय रखा जाए, तो सुलहकर्ता को दूसरे पक्षकार की उस सूचना को प्रकट नहीं करना होगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन होते टाइम, सूचनाओं का आदान प्रदान होते टाइम कोई एक पक्षकार सुलहकर्ता को ऐसी कोई बात बताता है जिसके लिए वो पहले ही उसको बोलता है, बताता है कि इस बात की या इस सूचना का प्रकटन ना किया जाए, तो सुलहकर्ता का ये कर्तव्य होगा कि उस पक्षकार की बात को ध्यान में रखते हुए उस सूचना का प्रकटन ना करें।
धारा 70 के अनुसार एक सुलहकर्ता की कार्रवाई के दौरान एक पक्षकार द्वारा दी गई सूचना का सार यानी कि सब्सटेंस प्रकट किए जाने को अनिवार्य बनाता है। यहाँ पे आवश्यकता तो यही है कि अगर एक पक्षकार ने कोई बात बताई है तो दूसरे पक्षकार को बात बताई जाए, जिससे कि दूसरा पक्षकार उस बात के बारे में जो कोई भी उसने तथ्य दिया है उस तथ्य के बारे में अपना स्पष्टीकरण या अपना जवाब प्रस्तुत कर सके। इसलिए ये बात तो अनिवार्य कंपलसरी बनाई गई है कि अगर एक पक्षकार कोई बात बताता है तो दूसरे पक्षकार को उस बात को बतानी होगी। ऐसा इसलिए कि दूसरा पक्षकार इस संसूचना के आधार पर सुलह कार्रवाई से संबंधित अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके, और यह आवश्यक नहीं है कि सुलहकर्ता एक पक्षकार द्वारा दी गई संसूचना को विस्तार से और बिंदुवार दूसरे पक्षकार को बताए। बताए तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदुवार बताना, विस्तार से बताना ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि पक्षकार द्वारा कुछ ऐसी सूचना भी दी जा सकती है जो संकीर्ण विश्वास में सुलहकर्ता को दी गई होगी तथा सूचना देने वाला पक्षकार यह नहीं चाहेगा कि ऐसी संसूचना दूसरे पक्षकार के ज्ञान में आए, अतः सुलहकर्ता द्वारा ऐसी संसूचना को दूसरे पक्षकार को प्रकट नहीं की जानी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर ऐसी आवश्यकता है कि भाई सूचना बतानी चाहिए तो वहाँ बताएंगे, लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता प्रकट हो रही है कि प्रकट नहीं करनी चाहिए दूसरे पक्षकार के सामने तो नहीं करेगा। सुलहकर्ता एक पक्षकार द्वारा दी गई सूचना का सार तत्व ही दूसरे पक्षकार को प्रकट करेगा जिसका संबंध प्रश्नगत विवाद से हो। यानी सुलहकर्ता दूसरे पक्षकार को सिर्फ सूचना का सार देगा, तत्व बताएगा जिससे कि वो प्रकट कर सके अपने जवाब को, अपने स्पष्टीकरण को। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बिंदुवार ये सारी बातें उसको बताए। सुलहकर्ता एक पक्षकार द्वारा दी गई सूचना का सार तत्व दूसरे पक्षकार को प्रकट करेगा जिसका संबंध प्रसंगत विवाद से हो। यानी कि जो क्वेश्चन है, दोनों के बीच में जो विवाद है उससे संबंधित होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। सुलहकर्ता को विवाद के पक्षकारों का विश्वास भी प्राप्त करना होता है, विवाद के पक्षकारों का विश्वास, क्योंकि सुलहकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक पक्षकारों का विश्वास उसमें नहीं होगा, अपने सुलहकर्ता में नहीं होगा, सुलह कार्रवाई को वो पूरी तरह ईमानदारी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में ये रहेगा कि पक्षकारों को मुझ पे तो विश्वास है ही नहीं। इसलिए सुलहकर्ता जो कोई भी कार्रवाई कर रहा है, सुलहकर्ता जो कोई भी विवाद को पक्षकारों को निपटा रहा है, पक्षकारों के विवादों को सुनकर उन पर समझाइश करा रहा है, दोनों पक्षकारों को ऐसे सुलहकर्ता पर विश्वास करना होगा। धारा 70 एक परंतु भी ये है कि यह परंतु उस सामान्य नियम को प्रतिपादित करता है जिसके अंतर्गत यदि एक पक्षकार उस शर्त पर कोई संसूचना सुलहकर्ता को देता है कि वह संसूचना दूसरे पक्षकार को बताई नहीं जाएगी, अर्थात संसूचना को गुप्त रखा जाए, तो इस प्रकार की संसूचना को प्रकट करने की अनुभूति सुलहकर्ता को नहीं होगी। यानी कि जो अभी भी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पॉइंट में बताया, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एक सुलहकर्ता ये चाहता है कि मैं जो ये आपको बात बता रहा हूँ ये सामने वाले पक्षकार को ना बताई जाए, और वो बात सिर्फ इसलिए बताता है जिससे कि विवाद को निपटाने के लिए, जो विवाद उनके बीच में हुआ है उनकी समझाइश कराने के लिए ये वाली बात सुलहकर्ता के ज्ञान में होनी चाहिए, और ऐसे अगर वो ज्ञान में कराता है और उसको ये कहता है कि दूसरे पक्षकार को इस बारे में कोई भी सूचना ना दी जाए या उसको ना बताई जाए, तो यहाँ पर पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना को जो देता है वो सुलहकर्ता दूसरे पक्षकार को नहीं बताएगा। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी गई है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज करनी चाहिए और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन 70 डिस्क्लोजर में यही बात इम्पॉर्टेंट ये कह रहा है कि जो कोई भी एक पक्षकार ने बात बताई है दूसरे पक्षकार को सिर्फ इसलिए बताई जानी चाहिए जिससे कि वो उस बात का उत्तर ला सके, उस बात का स्पष्टीकरण ला सके, लेकिन अगर ऐसी बात है जो सुलहकर्ता के ज्ञान में होनी चाहिए जिससे कि वो विवाद को निपटा सके, तो सिर्फ विवाद को निपटाने के लिए उस बात को ज्ञान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा पक्षकार उनसे ये कहता है सुलहकर्ता से कि दूसरे पक्षकार को इस बारे में ना बताया जाए तो वो नहीं बताएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 70 तक हमने पढ़ा, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन तक। आगे कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।